The Gujarat Special Investigation Team probing charges of fabrication of evidence and conspiracy linked to the 2002 riots against activist Teesta Setalwad has made a massive claim that Teesta received a Padma Award for her attempts to conspire against the then Modi government. The SIT had earlier stated in an affidavit that the accused were allegedly part of a larger conspiracy for dismissal or destabilization by hook or crook of by the then state government. Now we're joined by my colleague Janak Dave with more on this. Very good morning to you, Janak. ये जो SIT का बड़ा क्लेम है कि उन्होंने एक बड़ा सा खुलासा किया है कि तीस्ता को ये पीएम मोदी को मलाइन करने के लिए दूसरे गवर्नमेंट शायद कांग्रेस गवर्नमेंट ने पद्मा अवार्ड दिया है, तो क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं इसके बारे में और फर्स्ट रिएक्शंस क्या हैं ये बड़े खुलासे के बारे में? देखिए शिवा, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे पहली बात ये है कि एसआईटी की ओर से बहुत बड़ा दावा किया गया। दरअसल एसआईटी की ओर से कल देर शाम को जो एफिडेविट फाइल की गई कोर्ट के सामने, उस कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि जो अब तक की जांच में सामने आया है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, सरकार को गिराने की, और बकायदा दंगों के बाद सर्किट हाउस में एक मीटिंग मिलती है, एक कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उनको 25 लाख रुपए देते हैं और उसके बाद बाय हुक और क्रूक सरकार को टॉपल करने के लिए सारी कोशिशें की जाती है, और इसी की बदौलत जो साजिशें रची गई, फर्जी दस्तावेजों के सहारे जो प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई, उसकी बदौलत ही 2007 में उनको पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। ये भी एक बड़ा दावा है। उसके अलावा कई ऐसे बयान हैं जो चौंकाते हैं, जो एक पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा तिष्ठा शेतलवाड़ की थी वो बात आती है। उसमें बकायदा एक बात का जिक्र है जहां पर वो कह रही कांग्रेस नेता से कि जावेद और शबाना को आप अगर राज्यसभा सांसद बनाते हैं तो मुझे क्यों नहीं, तो वो अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा में इजहार करती दिखती है उसमें। उसके अलावा जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जो संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार, उनकी उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि संजीव भट्ट बकायदा ऑफिशियल ड्यूटी होने के बावजूद कांग्रेस नेताओं के संपर्क में थे, ईमेल के जरिए कई बार उनको पैकेजेस मिलने का जिक्र है उस ईमेल में, वो सारे डेटा भी एसआईटी ने रिट्राइव किए हैं, और ये काफी बड़े संगीन जांच के दायरे जिसको कहें उसमें एसआईटी ने ये बहुत सारे मामले सामने निकाले हैं, और अभी और भी जांच चल रही है, कभी और भी बयान सामने आ रहे हैं, आने वाले दिनों में इस पर बहुत एक राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है। शिल्पा, ऑल राइट जनक, वी लीव इट एट दैट एंड वी विल वेट फॉर मोर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स टू कम इन द मीनवाइल।